नमस्कार छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले बड़ी खबर की बात आज के दिन की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया पूरा का पूरा प्लान बता दिया गया सात चरणों में देश में मतदान की प्रक्रिया होगी और पहला चरण उन्नीस अप्रैल को होने जा रहा है छत्तीसगढ़ की अगर राज्य की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में यहां पर वोटिंग होनी है पहला चरण 19 तारीख को होना है 19 अप्रैल को और यहां पहले चरण में बस्तर में वोटिंग होनी है लेकिन इसके बाद कब कहां वोटिंग होगी कहां कितने मतदाता हैं उसको बताती ये रिपोर्ट देखिए ग्यारह सीटों के लिए करें तो, तो उन्नीस अप्रैल को मतदान होगा लोकसभा सीट बस्तर से अधिसूचना बीस मार्च को होगा नामांकन की आखिरी तिथि सत्ताईस मार्च को होगी नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगा वहीं नाम वापसी तीस मार्च को होगी छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की बात करें तो छब्बीस अप्रैल को मतदान होगा लोकसभा सीट कांकेर राजनांदगांव महासमुंद में होगा अधिसूचना 28 मार्च को होगी नामांकन की आखिरी तिथि 4 अप्रैल नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगा वहीं नाम वापसी 8 अप्रैल को होगा छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण की बात करें तो 7 मई को मतदान होगा लोकसभा सीट रायपुर बिलासपुर कोरबा रायगढ़ जांजगीर चांपा दुर्ग सरगुजा में होगा अधिसूचना अप्रैल को होगा नामांकन की आखिरी तिथि उन्नीस अप्रैल को होगा छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों में सामान्य वर्ग के लिए छह एसटी के लिए चार और एसएससी वर्ग के लिए एक सीट आरक्षित है प्रदेश में वोटिंग के लिए चौबीस हजार एक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे लोकसभा चुनाव में 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदान रजिस्टर्ड हैं। पिछले पाँच साल में पंद्रह लाख छियानबे हजार दाताओं की बढ़ोतरी हुई है इनमें सात लाख इकतालीस हजार नौ सौ बयालीस पुरुष और ग्यारह लाख छब्बीस हजार पाँच सौ पाँच महिला मतदाता बढ़े हैं। एक लाख साठ हजार नौ सौ पचपन दिव्यांग मतदाता हैं। प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या कुल एक करोड़ तीन लाख बत्तीस हजार एक सौ पंद्रह है राज्य में महिला मतदाताओं का जेंडर रेशियो पुरुषों से अधिक है यहाँ एक हजार पुरुष वोटर पर एक हजार पंद्रह महिला मतदाता हैं। प्रदेश के दोनों दलों ने चुनाव को लेकर तैयार है एक तरफ जहां बीजेपी ने प्रदेश की सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है तो कांग्रेस ने छह प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है तो अब मतदाता की बारी है मतदाता क्या फैसला करेगा इसके लिए चार जून जिस दिन रिजल्ट आएगा तब तक इंतजार करिए ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखिए मतदान का शेड्यूल जो है यह आप समझ गए होंगे इस रिपोर्ट के जरिए छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में वोटिंग होनी है और पहला चरण 19 अप्रैल को दूसरा चरण 26 अप्रैल को और तीसरा चरण 7 मई को होने जा रहा है और आइए अब ग्राउंड पर फिर चलने की बारी आ गई है चलते हैं मैदान में और जानते हैं हमारे सहयोगियों से कि अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो उसके बाद लोगों के बीच क्या चर्चाएं हैं उम्मीदवारों की कैसी तैयारी है जमीन पर दोनों पक्ष से खासतौर पर बीजेपी कांग्रेस की तरफ से कितनी दावेदारी ठोंकी जा रही है बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ ही में अंबिकापुर से श्रवण महंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके अलावा हमारे साथ रायपुर से हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़े हुए हैं और साथ ही में जुड़े हुए हैं हमारे एक और सहयोगी उनके पास भी चलेंगे लेकिन सबसे पहले तो रायपुर राजधानी की बात कर लेते हैं और चलते हैं अभिषेक जी के पास अभिषेक जी ये चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में चुनाव होने वाले हैं अब जनता की बारी है जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है वोटिंग क्या कुछ रहने वाली है छत्तीसगढ़ का मूड क्या नजर आ रहा है देखिए, विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं और अब तुरंत लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ जा रहा है ऐसे में मुद्दे कमोबेश वही रहने वाले हैं जो विधानसभा में उठे थे फोकस महिला मतदाताओं पर है यूथ पर है जो कि विधानसभा में भी था और जहां तक बात है कि किस तरीके की तैयारियां है तो अब समीकरण विधानसभा से जरूर बदल गया है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में थी अब सब कुछ पलट गया है कांग्रेस विपक्ष में है यहां पर छत्तीसगढ़ में और बीजेपी सत्ता पक्ष में है तो बीजेपी का उत्साह इस वक्त चरम पर है प्रधानमंत्री मोदी का नाम के सहारे या मोदी की गारंटी के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस जहां एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ज्यादा तैयार कुछ समय तक नजर नहीं आ रही थी उसके पास कैंडिडेट नहीं थे अब वो अपने विधानसभा चुनाव के ही कुछ बड़े चेहरों के जरिए लोकसभा में लड़ने की कोशिश करती दिख रही है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा गया है हालांकि बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे उनका कहना था कि वो चुनाव लड़वाने में ज्यादा इच्छुक थे लेकिन क्योंकि पार्टी का आदेश है राजनांदगांव से मोर्चा भूपेश बघेल संभाल रहे हैं दो उनके मंत्री हैं तामध्वज साहू जो कि चुनाव विधानसभा में हार गए थे शिव डहरिया जो चुनाव हार गए थे वो भी लोकसभा चुनाव में उतरे हैं तो चुनाव थोड़ा दिलचस्प तो हो गया क्योंकि बड़े चेहरे इस वक्त मैदान में हैं लेकिन मुद्दे वही होंगे कांग्रेस पर जो आरोप लगे हुए थे वही आरोप बीजेपी फिर से यहाँ पर एक के बाद एक सामने ला रही है चाहे भ्रष्टाचार की बात कर ली जाए या कामकाज को लेकर सवाल जो उठ रहे थे वही मुद्दे घूम फिर कर फिर पहुँचेंगे हिंदुत्व एक प्रमुख एजेंडा रहेगा राम मंदिर के बाद से यहां राम रामलला दर्शन योजना बीजेपी ने चलाई थी उससे बीजेपी एक बड़े मुद्दे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है महतारी बंधन को प्रोजेक्ट कर रही है हालांकि कांग्रेस ने भी गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च की थी तो कुल मिलाकर अगर हम बहुत ही कम शब्दों में कहा जाए तो वही विधानसभा के मुद्दे रिवाइज यहाँ पर होंगे लेकिन इस चुनाव को दिलचस्प बनाने के बीजेपी कांग्रेस ने जगह बड़े चेहरे उतार दिए हैं उससे चुनाव छत्तीसगढ़ का दिलचस्प हो गया है क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी कुछ नजर नहीं आ रही थी हमारे साथ और सहयोगी जुड़े हुए हैं उमे उमेश हमारे सहयोगी बिलासपुर से जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं उमेश बात कीजिए लोगों से क्या चुनाव को लेकर लोगों की सोच है क्या वो देख रहे हैं आने वाले वक्त में सरकार को चुनने का वक्त सरकार को चुनने की बारी अब उनकी है बिल्कुल जनता जनार्दन है सीधे उनसे ही बात करते हैं इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में और किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं देखिए इस बार का जो मुद्दा है वो तो केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं और जो मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो है मेन और मेन मुख्य मुद्दा जो है राम मंदिर है जिसे लेकर के यहाँ के लोग उत्साहित हैं और वोट कर रहे हैं ना उनके लिए भी लोग ये चाह रहे हैं कि एक नई पार्टी जो शुरू हुई है भाजपा में मोदी जी की जो सरकार है उन्होंने कई योजनाएं भी लागू की है महतारी वंदन योजना है जिसे लेकर महिलाओं को का वोट जो प्रतिशत जो है बढ़ेगा ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो वोट बिल्कुल कई मुद्दे हैं आप आप किस तरीके से देखते हैं लोकसभा चुनाव को युवा हैं आप मैं युवा हूं भैया तो युवा हक की बात करूंगा मैं बेरोजगारी के मुद्दों पर चुनाव देखता हूं कि पिछले जो पंचवर्षीय में उन्होंने वादा किया था कि हम लोग वो नौकरी देंगे अभी तक किसी युवा को नौकरी नहीं मिली हम पूरे युवा ये नाराज हैं कि नौकरी गई कहा हम इस मुद्दे को लेकर ज्यादा चुनाव में सक्रिय हैं। जी बिल्कुल देखिए अलग अलग हाँ, प्रतिक्रिया मिली है। जुली अगर प्रतिक्रिया, अगर हम प्रतिक्रिया लोगों तो की है। मिली मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की यहाँ पर निकल कर आ रही है गरियाबंद भी जाते हैं वहां पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं हमारे सहयोगी शेख इमरान मौजूद हैं उनके पास चलते हैं शेख इमरान आप लोगों से बात कीजिए उनके जहन में क्या है वोटिंग करने की बारी आ गई है तो अब किन मुद्दों को लेकर और सरकार केंद्र सरकार का चुनाव है तो केंद्र सरकार के कामकाज के बिहाफ पर वोट करेंगे वादों पर वोट करेंगे या प्रदेश की सरकार चूंकि डबल इंजन वाली सरकार की बात हो जाती तो प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है उसको सोचकर केंद्र के लिए वोट करेंगे बात कीजिए जी बिल्कुल पुणीत जी हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं हम जानना चाहेंगे कि केंद्र की योजनाओं को देखकर आप वोट करेंगे इस बार कि कुछ मुद्दों को लेकर वोट करेंगे क्या क्या सोच रहे हैं आप हम केंद्र को देखकर वोट करेंगे हम अपना मोदी जी को सुनना चाहेंगे क्या योजना आपको अच्छी लगी है इनको महिलाओं को आगे बढ़ाने जो योजना है जो मात, न, महतारी योजना में मतलब एक हजार जो मिलता है उससे हम खुश हैं और इसीलिए हम अपना मोदी जी को वो देना चाहते हैं वादा तो कांग्रेस भी कर रही है गरीब महिलाओं को एक लाख रुपए को आगे बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस को, भी वादा कर रही है कि गरीब महिलाओं को सालाना आना एक लाख रुपए देंगी कांग्रेस वादा करती है वहाँ तक सही है पर हम कांग्रेस के लिए विश्वास नहीं कर सकते आप बताइए की क्या आप कोई मुद्दा है क्या चीज को देख आप मत करेंगे कैसा प्रतिनिधि चाहिए क्या है हमारे समूह वाले का को भी मतलब आगे बढ़ाए हैं कौन बढ़ाए है? मोदी सरकार अच्छा और अभी क्या है एक हजार रूपए भी दे रहे हैं मोदी जी, सरकार जी बिल्कुल सरक महिलाओं का, दे का, दे का, दे का, दे का दे। कहना है पुनीत जी की जो बीजेपी की जो कार्य कर रहा है वो अच्छा रहा है तो हम कुछ युवाओं से जानना चाहेंगे क्या केंद्र से केंद्र का इस बार चुनाव होना है तो कैसे देख रहे हैं आप किन मुद्दों को लेकर आप मत करेंगे क्या आपको योजना अच्छा लग रहा है या क्या देखो उसमें क्या है अभी जो शासन दे रहा है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा नियम कर रहा है जी आप बताइए कि क्या क्या अच्छा मुद्दा रहेगा इस बार मुद्दा तो बहुत है जैसे पानी बिजली सड़क ये आम लोगों की मुद्दा है इसको लेकर लगातार जो है महासमुंद लोकसभा जो है वैसे भी हाई प्रोफाइल सीटों में से एक गिना माना जाता है महासमुंद लोकसभा लेकिन पानी बिजली सड़क कहे की हम लगातार सरकार चुनिएगा क्या आ, एक लंबे समय बाद जो है महासुन लोकसभा अच्छा पानी बिजली सड़क पर क्या केंद्र की सरकार चुना जाएगा इस बार बिल्कुल निश्चित तौर पर मोदी के जो गारंटी योजना गारंटी योजना का प्रतिशत मोदी जी को मिलेगा लेकिन जो स्थानीय जैसे बता रहे पानी बिजली तो इस पर क्या केंद्र को चुना जाएगा या फिर और कुछ मुद्दे है नहीं मोदी की गारंटी चलेगी टाइम देखिए तो देखिए कुछ ही लो, लोगों का कहना है कि बिजली पानी सड़क ये बड़े मुद्दे रहेंगे बेरोजगारी मुद्दे रहेंगे लेकिन ज्यादातर महिलाएं है जो हैं जो महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें जो राशि मिल रहा है हाँ, इसे काफी ज्यादा वो कुछ नजर आ रही है लेकिन ये हाँ। तो चुनाव है और चुनाव है आने वाले वक्त में पता चलेगा जनता है इनका मूड रहता है और मूड कब बदल जाता है और जनता जब चुनती है सरकार तो कई बड़े मुद्दे और कई बड़े वादों को देकर चुनती तो आने वाले वक्त में जो ये फैसला है जनता के जनता के हाथों में रहता है जी पुनित जी अंबिकापुर अंबिकापुर की भी बात कर लेते हैं जहां पर तीसरा चरण जो होगा आम चुनावों का सात मई को तो अंबिकापुर में भी वोटिंग होने वाली है श्रवण महंत के पास चलते हैं उनसे बात करते हैं कि यहां के मुद्दे यहां की जनता क्या सोच रही है श्रवण लोगों से बात कीजिए मुद्दे हैं वो बेरोजगारी और महंगाई और इसके साथ साथ जो आ... रोजगार है वो प्रमुख मुद्दा है हालांकि जिस तरह से अगर सरगुजा लोकसभा की बात की जाए तो 2004 से लेकर के 2019 तक लगातार इस सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है और लगातार जो है यहाँ के प्रमुख मुद्दे जैसे अगर बात की जाए तो रेल का एक बड़ा मुद्दा है जहाँ सरगुजा के लोग जो हैं मांग करते आए हैं चाहे बरवाडी रेल लाइन की बात है क्योंकि जो रेल लाइन से लोगों का कहना है कि यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे व्यापार का पढ़ेंगे इसके साथ-साथ एक प्रमुख मुद्दा हवाई सेवा का भी था लेकिन वो आज जो है लाइसेंस मिलने के बाद जो है उसको लोग सोच रहे हैं कि ये प्रमुख मुद्दा था वो पूरा होने जा रहा है लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा ने अपना प्रत्याशी चिंतामणि महाराज जो कांग्रेस से भी भाजपा में शामिल हुए हैं उनको मैदान में उतारा है लेकिन आ, जो कांग्रेस है वो अपना प्रत्याशी अभी तक उतारी नहीं है तो अभी तक अब देखा जाए कि प्रत्याशी नहीं उतरा है तो असमंजस में लोग हैं कि किसके प्रति वोट किया जाए लेकिन ये है कि जानकार के मानना है कि कही प्रत्याशी का इंतजार भी कहीं कहीं ना है ऐसे में ठीक है प्रत्याशी का इंतजार भी कहीं ना कहीं हो रहा है कि प्रत्याशी कौन होगा उसके आधार पर भी वोटिंग तय हो सकती है चलते हैं दुर्ग दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और दुर्ग की बात की जाए तो यहां पर तो ताल ठोंकी गई थी और चुनौती एक बार फिर से दी दी गई थी भतीजे की तरफ से दी गई थी चाचा जी को एक बार फिर से काका को फिर से चुनौती दी गई लेकिन लड़ दोनों रहे हैं अलग अलग सीटों पर लड़ रहे हैं तो जानते हैं दुर्ग सीट का हाल क्योंकि तीसरा चरण दुर्ग में भी वोटिंग होनी है मिथिलेश पुनीत दुर्ग की यदि बात किया जाए तो दुर्ग काफ़ी हॉट सीट रही है क्योंकि ये दुर्ग ऐसा क्षेत्र रहा है जो हमेशा इतिहास बनाता रहा है इतिहास बदलता रहा है जब मोदी लहर चल रही थी उस दौरान यदि बात किया जाए तो सरोज पांडे उस समय थी 2014 में उनको हार का सामना करना पड़ा था इकलौते जो थे ताम्रध्वज साहू जीते थे तो ऐसे कई बार वक्त आया जब इतिहास जो है वो बदला गया था इतिहास बना भी है यदि पिछले चुनाव की बात किया जाए दो की बात किया जाए तो विजय बघेल करीब चार लाख मतों से आगे रहे थे विजयी रहे थे तो एक बड़ा इतिहास उन्होंने रचा था दुर्ग जिले के लिए तो अभी अब देखिए फिर यदि तो नजर आ रहा है तो कुर्मी जो वोट है इक्यावन फीसदी कुर्मी और साहू समाज के मतदाता है तो ऐसे में इनकी जो बहुलता कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जो है वो काफी निर्णायक भूमिका होती है तो काफी मजबूत स्थिति में देखा जाए तो क्योंकि राजेंद्र साहू एक लंबे समय से कर रहे थे टिकट पाने का वो अब पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और विजय बघेल बीजेपी की सरकार में हुए तो कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव होगा निश्चित रूप से काफी दिलचस्प होने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं ठीक है मजबूत नजर आ रहे हैं और चलिए अब चलते हैं पहला चरण जहां होना है छत्तीसगढ़ का पहला चरण बस्तर की सीट केवल एक सीट है जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है और बेहद अहम यह सीट है हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से यहां पर प्रत्याशी का फैसला नहीं हो चुका नहीं हो सका है अट्ठारह तारीख को कहा जा रहा है कि लिस्ट आ जाएगी श्रीनिवास नायडू के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वहां के लोगों के मन में इस चुनाव को लेकर कितनी तैयारी है क्या मुद्दे हैं किस चीज को लेकर वोट करने वाले हैं श्रीनिवास जी बिल्कुल आज जो ब, ब, बस्तर संसदीय सीट के लिए जो ऐलान हुआ है 19 अप्रैल का इसको लेकर राजनीतिक दल तो शुरू आ, प्रचार प्रसार शुरू कर दिए तो वहीं प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है बस्तर जो संसदीय सीट है यहाँ पर लगभग साढ़े चौदह लाख मतदाता है और जैसे उसी में महिला और पुरुष की भी संख्या काफ़ी है दो जो मतदान केंद्र है उसको पहली बार शिफ्टिंग किया गया है प्रशासन अपनी पूरी तरह से तैयार है हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है सर मुद्दे क्या होने चाहिए इस बार लोकसभा चुनाव के सबसे पहले मैं न्यूज़ एटीन को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ और दूसरी बात क्या है कि आप लोग हर परिस्थिति में जनता की बात को शासन प्रशासन तक आप पहुँचाते हैं और इस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका जो लोकसभा चुनाव है इसमें पब्लिक जाग चुकी है और जो मेन मुद्दा है अगर जो मोदी सरकार की हम बात करें या वर्तमान भाजपा सरकार की हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने जो भी नीति आम जनता के लिए निचले स्तर पर जो आखिरी पंते में बैठा हुआ व्यक्ति तक जो बात पहुंचाना चाहती है शायद कही कहीं ना कहीं जनता समझ गई है और रहा सवाल इस लोकसभा चुनाव में एक दुर्गामी परिणाम जो भाजपा सरकार की ओर कहीं बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है और जहां तक सवाल है कि कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी घोषित कर दिया भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है कहीं ना कहीं भाजपा ने ये निर्दयता से मतलब निर्दयता से ये दिखा दिया है कि हमने प्रत्याशी उन लोगों का बीच में हमने चुने हैं जो जनप्रतिनिधि के मतलब सामने वो खरा उतरेगी और उन्होंने बहुत नबी तुल प्रतिक्रिया देते हुए यहाँ पर लोग नजर की आज आ रहे हैं और खरा उतरेगी बड़ा निश्चित रूप से चुन लिया लेकिन कहीं ये क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से सारे प्रत्याशी पहली बार में ही घोषित कर दिए गए लेकिन इस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है और सवाल खड़ा हो रहा है तो इस सवाल को लिए चलते हैं सीधे रायपुर हमारे एडिटर जो हैं अभिषेक जी उनके पास अभिषेक जी एक बात कही जा रही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने टिकट तो सबसे पहले बांट दिए लेकिन प्रत्याशियों को रिपीट करने का काम नहीं किया तो क्या जनता के मन में यह नहीं रहेगा कि हमारे जो सिटिंग सांसद थे उनको रिपीट नहीं किया उनके कामकाज की जो जो कहा जाए कि परखा या उसके ऊपर वोटिंग की जानी चाहिए वो कुछ नजर नहीं आएगा या ये मुद्दा रहेगा कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास नौ सांसद थे और चार सांसदों के टिकट बीजेपी ने काटे हैं तीन जो सांसद थे विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे और मंत्री बन गए हैं तो वहाँ पर तो स्वाभाविक सी बात है कैंडिडेट बदलना स्वाभाविक है दो कैंडिडेट रिपीट किया है दुर्ग की बात कर ले विजय बघेल रिपीट हुए हैं और से संतोष पांडे रिपीट हुए हैं चार जरूर लोगों के टिकट कटे हैं तो ये लोगों को आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा है दो क्योंकि 2019 में सभी 11 लोगों के टिकट बीजेपी ने काट दिए थे और सारे नए चेहरे उतारे थे ऐसे में सिर्फ चार लोगों का टिकट काटना लोगों को लग रहा है कि बहुत कम टिकट बीजेपी ने काटा है इसीलिए इस पे किसी प्रकार की कोई बहुत चर्चा या वाद विवाद जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है जहां तक कैंडिडेट्स की बात है बीजेपी ने जो टिकट काटे भी है वहाँ कई बड़े नाम भी उतारे जैसे रायपुर की बात कर ले ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से जीते हैं लगभग सड़सठ हजार से ज्यादा से उनको रायपुर का प्रत्याशी बनाया है मंत्री भी है तो एक बड़ा चेहरा यहाँ पर है तो इसीलिए अगर टिकट कटा भी है तो किसी बड़े चेहरे को यहाँ पर मौजूदा समय में जगह दी गई है तो बहुत ज्यादा कोई ऐसे विवाद की स्थिति है नहीं और दो सीट बीजेपी हार चुकी थी वहाँ पर कैंडिडेट बदलना स्वाभाविक था तो 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 में सरोज पांडे को उतारा गया है ठीक है महेश शब, बिल्कुल लो प्रोफाइल बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ग्राउंड से जानकारी पहुंचाने के लिए क्योंकि जनता जमीन पर देखकर क्या रहकर क्या देख रही है क्या उनके दिमाग में मुद्दे हैं ये सब हमने जाना बहुत शुक्रिया आप सभी का